हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज जिस रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, वन विभाग भर्ती 2021 की है। फ्रेंड्स, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके नोटिफिकेशन के बारे में, किसकी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से जारी हुआ, आप चेक कर पाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, इसकी डिटेल, इसकी नोटिफिकेशन एंड इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी jobinformation.co.in पर। आप आकर विजिट कर सकते हो और इसकी डिटेल को चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो पाएंगे। वन विभाग भर्ती 2021, योग्यता फ्रेंड 10वीं पास मांगी गई है। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें पोस्ट जो होगी वन रक्षक और MTS की फ्रेंड्स में पोस्ट है। फ्रेंड्स, पूरे भारत के लिए जो है। अप्लाई मोड जो होगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन मोड से ही केवल आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसके नोटिफिकेशन रीड आउट की। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट, न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आप इस भर्ती कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट पे आना होगा jobinformation.co.in पर। देखिएगा फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप यहां से भी कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 311 पोस्ट है इसमें। पोस्ट नेम की बात करें फॉरेस्ट गार्ड है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है फ्रेंड्स। ये देखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट देखिएगा फ्रेंड्स। बिलासपुर के लिए 30 पोस्ट है, चंपा के लिए 15 पोस्ट है, धर्मशाला के लिए 57 पोस्ट है, हमीरपुर के लिए 37 पोस्ट है, कुल्लू के लिए 30 पोस्ट है। इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज में पोस्ट दी गई है फ्रेंड्स। रामपुर के लिए देखें, शिमला के लिए देखें, सोलन के लिए, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट दी गई है इसमें। अप्लाई ऑनलाइन जो होगा फ्रेंड्स, वो ऑनलाइन मोड से होगा केवल इसमें आवेदन। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में एलिजिबल होंगे, मेल और फीमेल भी इसमें एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स। सैलरी की बात करें, देखिए 18,000 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक का आपका इसमें पे स्केल रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लेगी, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो बिल्कुल फ्री रहेगा फ्रेंड्स उसके लिए। एज लिमिट की बात करें, देखिएगा फ्रेंड्स 18 साल से लेकर 30 साल तक की अगर आपकी आयु है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। जो आपकी एज काउंट होगी 1 जून 2021 से काउंट होगी। 1 जून 2021 से ना तो आपकी आयु 18 से कम हो, ना ही 30 से ज़्यादा हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड्स, आयु में छूट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट होगी, OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की इसमें छूट मिलेगी। जो आप इसमें आवेदन कर सकते हो रिलैक्सेशन के तहत, देखिएगा SC ST कैंडिडेट के लिए 18 साल से लेकर 35 साल तक आवेदन कर सकते हो, OBC के लिए देखिएगा 18 साल से लेके 33 साल तक आवेदन आप कर सकते हो। फिजिकल डिटेल की बात करें, देखेंगे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए फ्रेंड्स में, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हो फ्रेंड्स, तो मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता आप कौन से जोन मारते हो, नॉर्थ इंडिया जोन में हो या नॉर्थ आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया जोन हो, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे आप कौन से जोन में आते हो। चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स, 80 सेंटीमीटर प्लस 5% का एक्सपेंडेड फ्लाव होना जरूरी है फ्रेंड, यानी कि 85 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आप हिंदी में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, तो कंप्लीटली जानकारी आप हिंदी में वहां से ले सकते हो। फ्रेंड्स, में ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी, जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो देखिएगा, वे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर उस पे होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट पे। जैसे कि फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फोटो का लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए इसमें। एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, 8वीं का हो या 10वीं का हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। ID प्रूफ में फ्रेंड्स आपके पास पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिएगा अगर आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, कोई से भी बोर्ड से आपने कर रखा या इंस्टीट्यूट से कर रखा हो। कंप्लीट जानकारी के लिए फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, सेकंड है फिजिकल टेस्ट होगा, तीसरे पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन के लिए फ्रेंड्स फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की होगी फ्रेंड्स 19 अगस्त 2021 होगी।
कहने की बात यह 19 अगस्त 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मोर लिंक्स देखिएगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, फुल डिटेल देखना चाहते हो या शॉर्ट नोटिस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। देखिएगा फ्रेंड्स ये इसका नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो हिंदी में देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी हिंदी में लेना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाओगे। देखिएगा फ्रेंड्स एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल। फ्रेंड्स आप यहाँ से भी हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट गार्ड गए या फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिएगा सभी जानकारी फ्रेंड यहाँ से भी आप ले सकते हो। देखिए कि बिलासपुर के लिए, चंपा के लिए आप यहाँ नोटिफिकेशन अलग अलग दिए हैं, आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो या रजिस्ट्रेशन करना है तो यूजर रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपको यहाँ लॉग इन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हो, कैसे इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो, कैसे इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, क्या क्या इसकी डिटेल है आप चेक कर पाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड जो भी जानकारी मैंने आपको दी है शायद आपको पसंद आई होगी और आप चाहते हो लगातार ऐसी ही अपडेट मिलती रहे तो फ्रेंड चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।